what's special about this is, like, I decided to create few mini oil painting series. So this is the third video of that series, I think. Yeah, this is the third video of that series. So first of all, thank you so much for your support. I just painted, like, I just finished two paintings in this series and both of them are sold. I even uploaded video about this. You can check it out. I'll put the I card above, and this is already sold. So thank you so much for your support. And yeah, in this video we are going to paint waves, the realistic waves that I saw in Sri Lanka during sunset. And this is also part of the mini painting series, and it's right here. If you're interested, please let me know or email me or DM me on Instagram. This is also up for sale. I just have to put some highlights and it's almost done. So we are going to talk about this painting in this video, and I'm going to explain few things about oil painting and how to paint realism, and I hope you guys like it. Sorry, my cat is outside, so I'm a little distracted, but anyways. And yeah, there's one more painting that I cannot show you right now for the mini painting series. That is also like work in progress, and it will be finished soon. So I'm really surprised with your support. Thank you so much for supporting. It means a lot to me. And yeah, I love to see my painting at your home. It really makes me so happy, and it's really wonderful to see how people respect painting. It's just a beautiful thing. And I hope you guys like this video. And yeah, if you're interested in any of my mini painting series, please let me know. I've created one highlight specially for this on my Instagram. You can check it out. You will get all the information there. And thank you so much for support. तो वॉइस ओवर में मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगी. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ओवर. तो इस वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ एल्किड रेजिन मीडियम एज माय मीडियम, एंड अगेन गैमजोल और टर्पेंटाइन एज माय सॉल्वेंट, एंड आई एम यूजिंग बेसिक पैलेट. आपको कलर नेम स्क्रीन पे दिख जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पेंटिंग में हो क्या रहा है. तो मैं वेव्स पेंट कर रही हूँ इस पेंटिंग में. आई एम ट्राइंग टू पेंट रियलिस्टिक वेव्स, नॉट हाइपर रियलिस्टिक. तो आई एम यूजिंग बेसिक पैलेट, बट बेसिकली आई एंडेड अप यूजिंग जस्ट ब्राउन, ब्लू, रेड एंड ब्लैक, अ लिटिल बिट एंड वाइट. तो मैंने बाद में थोड़ा ब्लैक भी ऐड कर लिया था पैलेट में. तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट डार्क ब्लू वैल्यू फॉर द डार्क पार्ट ऑफ द ओशन. और जिस जगह पे सन की थोड़ी सी रेस शाइन हो रही है, उस जगह के लिए मैं थोड़ा सा लाइटर ब्लू कलर यूज़ करूँगी. तो आई एम ट्राइंग टू नॉट गिव एनी डिटेल राइट नाउ. जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख गया होगा कि जोन से कलर यहाँ पे हैं, जोन से पानी के पार्ट में ब्राइट ब्लू दिख रहा है मुझे, मैं वहाँ पे वो कलर रख रही हूँ. जहाँ पे डार्क दिख रहा है वहाँ पे मैं डार्क रख रही हूँ. तो जब हम पानी पेंट करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पानी अपने आप में एक बहुत बड़ी एब्स्ट्रैक्शन है. वाटर इन इट्सेल्फ इज़ अ होल लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. डोंट ट्राई टू थिंक ऑफ वाटर एज वाटर, ये जस्ट पॉसिबल है ही नहीं. वाटर चेंज इट्स प्लेस एंड मोमेंट एवरीवेयर. और आप कभी भी जब बीच या पानी का कोई भी पहलू पेंट कर रहे हैं, चाहे ओशन है चाहे वेव है, आप बिल्कुल एग्जैक्टली पेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर इज़ वेरी 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 एब्स्ट्रैक्ट. लाइक मुझे पानी पेंट करना इसलिए पसंद है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंग I know myself till now. Trees भी बहुत abstract हैं. Actually nature में जो landscape है वो अपने आप में बहुत बड़ा abstraction है, and it is still real. That is what's most fascinating about painting and realism and painting nature. तो अब हम आए सेकेंड लेयर की तरफ. तो अगेन डार्क जगह पे डार्क की वैल्यू प्लेस कर रही हूँ और लाइट जगह पे लाइट की वैल्यू. एंड ट्राई नॉट टू मिक्स योर वाइट कलर इनटू द डार्क सो मच, वरना इट विल मिल्क योर पेंटिंग. लाइक वाइट विल ईट इट अप, यू नो, व्हेन यू पेंट
वेरी लाइट कलर यूजिंग वाइट, वो आपके शेडो एरिया में बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है. आपको रियलाइज़ भी नहीं होएगा कि आपकी पेंटिंग कब टोन डाउन हो जाएगी लाइट वैल्यू की तरफ. तो ट्राई टू डू विथ मोर केयरनेस एंड ट्राई टू डू बिट मोर फ्रीली विद अ लूज ब्रश स्ट्रोक. ट्राई टू प्ले विद पेंटिंग. ऑयल पेंटिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग, इट इज नॉट रियली अबाउट बींग सो सीरियस. ट्राई टू पेंट मेसी, इट्स टोटली फाइन. तो अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड लेयर की तरफ. एंड थर्ड लेयर में आई एम ट्राइंग नाउ टू ऐड सम हाईलाइट, सम स्पार्क्स दैट शाइन ऑन द वाटर व्हेन द वाटर इज मूविंग बिकॉज ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. तो ये सनसेट का टाइम था इसलिए पेंटिंग का कलर थोड़ा सा डल एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग टूवर्ड्स द नाइट. वरना अगर आप ये चीज़ दिन को पेंट करेंगे तो यू विल गेट वेरी इलेक्ट्रिक एंड ब्राइट ब्लू डिपेंडिंग ऑन द बीच यू आर इन. लेकिन इस पेंटिंग में जो ये टाइम था वो सनसेट का है एंड आई एम जस्ट गिविंग सम डिटेल्स नाउ. और जहाँ पे अब एट द लास्ट स्टेप व्हेन आई एम पेंटिंग वेव्स आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग लिटिल बिट मोर प्योर वाइट टू इट. अभी तक जो भी मैंने वेव्स पेंट करी उसमें मैंने प्योर वाइट यूज़ नहीं किया था और इवन नाउ अभी भी ये प्योर वाइट नहीं है. इसमें आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ you know just a touch of blue and brown to like make it bit dull. तो यहाँ पे लास्ट लेयर में मैं हाईलाइट्स दे रही हूँ और बस वाइट के हाईलाइट्स टू मेक इट कम टू लाइफ मोर. एंड या इट्स जस्ट क्रैशिंग अवे विद क्रैशिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू फाइंड समथिंग हेल्पफुल आउट ऑफ इट. इफ यू आर अ पेंटर योरसेल्फ आई होप इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर रियलिज्म एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी इन आर्ट. एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.